हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रोस्कैन को कैलिब्रेट कैसे किया जाता है। हमें दो मास्टर सैंपल लेने हैं। अभी मैंने तो फिलहाल ये ले लिया अपना अमूल का दूध 6.0 फैट वाला और एक ये 1.5 वाला वेरका का। इन दोनों को लेके हम इसको कैलिब्रेट करेंगे। सबसे पहले करना क्या है, एनालाइजर को बंद रखना, बंद में ही आप एंटर बटन दबा के इसको ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद इसमें जो भी पासवर्ड होगा आपको पता होगा, अपने सर्विस इंजीनियर से या किसी से ले सकते हो, जो भी पासवर्ड होगा वो डालना है। जैसे इसका पासवर्ड है 3547 डालने के बाद ओके करेंगे, ऐसी सेटिंग आएगी। इसको सेटिंग में आना है आपको, रिकैलिब्रेशन में आना है, रिकैलिब्रेट में केल्विन काउ जो चैनल पे करेंगे वो आप ले आएंगे। यहाँ हमें फर्स्ट चैनल पे करना, तो इसी को ओके करेंगे। अब यहाँ ये पूछ रहा मास्टर सैंपल जो है वो हाई फैट की वैल्यू कितनी है, एडिट करके यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। अब इससे आप ऊपर होता है, इससे अप, इससे डाउन। आप जैसे देखो 6 कर दिया, इससे यहाँ चले गए 60 है और इसकी SNF है 90। ठीक है, डेंसिटी जो बनती है CLR वो भर सकते हैं आप, जैसे मैंने यहाँ भर दी 29। और ये मास्टर जो ये इलेक्ट्रोज, ये सब स्टैंडर्ड ही डालना है आपको। जैसे हाई में 4.32 डालना है, ये सभी में सेम रखेंगे आप। हाई में सॉलिड 7.5 और प्रोटीन 5.1, ये हाई में यही वैल्यू रखेंगे आपको। हाई में ये गलत हो गया, मैं एडिट करूंगा दोबारा से 5.1 हाई में यही वैल्यू रखनी है। एक बार क्रॉस चेक कर लो, 60 90 29, ये यही रखनी है। इलेक्ट्रोज 4.32 ही, ये सॉलिड है अपना 7.5, ये 5.1। ओके करेंगे तो ये लो की वैल्यू मांगेगा। एडिट करेंगे 1.5 फैट है इसकी, ठीक है 8.5 SNF है। अभी हम CLR जो भी है LR वो हम 30 डाल देते हैं इसकी। लैक्टोज इसमें भरना 4.70, सॉलिड भरना 7.0 और प्रोटीन भरना 2.70। ये सेम ही रखना, वो फैट अपना और SNF आपको डालना है और जो डेंसिटी है वो डालनी है जो इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग आई करेक्शन करने के बाद। ऐसे क्रॉस चेक कर लो सही डाली है कि नहीं, उसके बाद ओके करोगे। ये 5 टाइम मांगेगा, अभी 5 टाइम हाई सैंपल मांगेगा, ये 5 टाइम लगाएंगे हम इसको। पॉज कर दो। ये जैसे 4 बार हो चुका है, 4 बार अभी हमने 5वीं बार लगा हुआ है, ठीक है 4 बार हाई लगा चुके हैं, ये 5वीं बार है। तो उसके बाद ये लो फैट मांगेगा, लो के लिए हमें 5 बार लो लगेगा, फिर 5 बार जैसे ही लो लगेगा उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, वो मांग लेगा वाटर, 5 बार वाटर लगाना पड़ेगा। फिर आ गया ना पुट सैंपल लो 5 टाइम, इसको भी 5 बार लगाना है। हाँ अब लो है ना, सैंपल लग चुका है, अब 5वीं बार लगा रहे हैं हम लोग। 5वीं बार लगाने के बाद लो, फिर ये 5 बार पानी मांगेगा, सिंपल पानी लेना फिल्टर वाला, नॉर्मल वाटर टेम्परेचर का, ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, नॉर्मल वो 5 बार लगाना है। फिर 5 बार जब पानी लगा देंगे उसके बाद फिर ये ऑन ऑफ के लिए बोलेगी मशीन 5 बार का, उसके बाद उसको कैलिब्रेशन को सेव करेंगे। जैसे आ गया ना पुट सैंपल वाटर 5 टाइम, अब हमें 5 बार पानी लगाना है, ऐसे लगा। अब ये 5 बार है ना पानी की रीडिंग लेगा 1 बाय 1, ऐसे 5 टाइम लगाने के बाद जब लास्ट टाइम जब पानी निकाल देगा बाहर, उसके बाद इसको ऑफ करना है। ठीक है ठीक है, ये वाटर लग गया है, 5वीं बार लगा हुआ है। अब 5वीं बार जैसे ही ये रीडिंग लेके बाहर छोड़ेगा, उसके बाद मशीन को पावर ऑन ऑफ करना है। एक बार ऑन ऑफ करके फिर पासवर्ड लगा के सेटिंग में जाएंगे और इसको कैलिब्रेशन को सेव करेंगे। सेव करके फिर मशीन को बंद करके चलाएंगे, वो कैलिब्रेशन सेव हो, जैसे आ गया ना रिकैलिब्रेटेड हो चुकी है कैलिब्रेट। अब पावर ऑन करना है, ऑफ करके ऑन करना है, ऐसे पानी निकाल देगी तब करना है। ठीक है, इसको ऑफ करके फिर से पासवर्ड लगाएंगे और इसको सेटिंग में जाके हम सेव कैलिब्रेशन करेंगे। कैलिब्रेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। पासवर्ड था इसका 3547। सेटिंग में जाएंगे, सेव कैलिब्रेशन, कॉपी की थी ओके करो, सेव हो गई। अब इसको बंद करके चला के चेक कर सकते हैं हम जो हमने सैंपल किया था। ओके डन।